नमस्कार। तो बीजेपी के आदरणीय सांसद रवि किशन जी, इनका एक बहुत फेमस डायलॉग रहा है जो कि लगभग सभी को ही पता होगा, जो कि है जिंदा की झंडबा फिर भी घमंडबा। ये डायलॉग आपने कहीं ना कहीं अपने जीवन में सुना ही होगा एक दो बार। तो जिसके बाद रवि किशन का एक इंटरव्यू शेयर करा है गायिका नेहा सिंह राठौड़ ने। नेहा सिंह राठौड़ जो है इस समय भोजपुरी बचाओ आंदोलन चला रही है। तो नेहा सिंह राठौड़ ने जब रवि किशन का एक इंटरव्यू शेयर करा, जिसमें रवि किशन बताते हैं कि उनका ये जो डायलॉग है ये बिग बॉस के पहले सीजन का है। एक तरीके से रवि किशन कहते हैं कि जब ये डायलॉग बोला गया उसके बाद ये डायलॉग नेशनल एंथम की तरह बन गई एक तरीके से। हालांकि यहाँ पर जो डायलॉग की तुलना नेशनल एंथम से हुई है ये गलत है भाई, क्योंकि नेशनल एंथम की आवाज सुनाई देते ही व्यक्ति के अंदर देश के लिए प्रेम जागरूक हो जाता है। हालांकि नेहा सिंह राठौड़ ने यही बात बताते हुए लिखा, रवि किशन के लिए लिखते हैं, संसद और संविधान के बाद क्या अगला नंबर राष्ट्रगान का है? रिमोट से लहंगा उठा देने वाले भाजपा के सांसद रवि किशन जी ने आज अपनी महान उक्ति जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा की तुलना नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान से कर दी। अपना देश बदल तो रहा है। जिसके बाद नेहा सिंह राठौड़ ने एक और तस्वीर शेयर करी जिसमें दिखाया कि रवि किशन ने नेहा सिंह राठौड़ को ब्लॉक कर दिया। हालांकि रवि किशन कैसा कहना, जिसके बाद नेहा सिंह राठौड़ के जवाब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।